यूपी के टॉप 61 माफिया की सूची में शामिल व माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का साथी रहे पूर्व विधायक राजन तिवारी को कैंट पुलिस व एसओजी व बिहार पुलिस की टीम ने बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया। कैंट पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच राजन तिवारी को देर शाम गोरखपुर कोर्ट के कमरा नंबर 3 में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि राजन तिवारी बिहार से नेपाल भागने की फिराक में था। राजन तिवारी मोतिहारी के गोविंदगंज से विधायक भी रह चुका है। उसके खिलाफ बिहार और यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले गोरखपुर में उस पर 36 से ज्यादा मुकदमे हैं। कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित था और करीब 60 से ज्यादा NBW जारी हो चुका था। उस पर गोरखपुर पुलिस की तरफ से 20,000 का इनाम भी था। पुलिस की तीन टीमें सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अगुवाई में लगातार एक महीने से दबिश दे रही थी। मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली कि राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में है और वह मोतिहारी में छिपा हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजन तिवारी को रक्सौल थाना क्षेत्र से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे शुक्रवार को गोरखपुर के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा राजन तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, हम आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पीछे जो है राजन तिवारी आ रहे हैं और उनके ऊपर 60 फुट कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारे एसओजी की टीम द्वारा आज इसको रक्सौल से गिरफ्तार कर गोरखपुर पुलिस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अभी तक टोटल 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम गोरखपुर पुलिस ने इसको गैंगस्टर के 1997 के मामला जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया है एवं इसको कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में।